हेलो दोस्तों, तो क्या हाल चाल। उम्मीद करता हूँ कि आप सब अच्छे से ही होंगे। और दोस्तों बढ़िया रहना। हाँ, तो बात कर लेते हैं पिछले एपिसोड की। पिछले एपिसोड में क्या हुआ था, जो गोकू और फ्रीजा थे उनकी जो फाइट है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग चल रही थी। अब आगे तो दोस्तों ये वाला जो एपिसोड होने वाला है इसका नाम है बोल्ड एंड फियरलेस। तो इस वाले एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है। जो गोकू और फ्रीजा है वो वैसे तो हवा में लड़ रहे थे, पर इस वाले जो एपिसोड में जो गोकू और फ्रीजा है वो ज़मीन पर आकर खड़े हो गए हैं और कुछ बात कर रहे होते हैं आपस में। पता नहीं क्या क्या ये गप्पे लड़ाते रहते हैं। हमारे यहाँ जो फाइट होती थी उसमें तो बंदे आपस में लड़ने की बजाय या गाली देने की बजाय और कुछ भी नहीं करते थे। और भी तभी हमें दिखाया जाता है जो जहाँ पर ये दोनों खड़े होते हैं वहाँ पर जो हवा है उसका बहाव थोड़ा तेज़ हो जाता है और जो गोकू के कपड़े हैं वो उड़कर भाग जाते हैं। और फिर फ्रीजा कहता है ठीक है, अब की बार में तुमसे जो लड़ूंगा वो सिर्फ बिना हाथों के लड़ूंगा। और गोकू ये कहकर शौक हो जाता है, क्या बिना हाथों के? तो वो कहता है हाँ, क्योंकि जो अभी मैं तुम्हारे साथ लड़ रहा था मैं सिर्फ अपनी 1% पावर इस्तेमाल कर रहा था अपने इस रूप के। तो गोकू ये सुनकर थोड़ा शौक हो जाता है, क्या सिर्फ 1%? और उसके चेहरे पर हल्का सा पसीना आ जाता है और गोहान की रीलिंग और पिकोलो का तो मुँह खुला रह जाता है, क्या? और वो पिकोलो कहता है ये तो सही नहीं है, ये गलत है, मतलब जो फ्रीजा है वो कुछ नहीं कर रहा। तो क्रीन कहता है क्या इसका मतलब हम हारने वाले हैं? वो कहता है नहीं ऐसा नहीं है। फिर हमें वापस से एक सीन दिखाया जाता है, ये होता है बुलमा का। जो बुलमा है वो उड़ी जा रही है, बुलमा तो नहीं यार, जो ये मास्टर गिनी है ये उड़ा जा रहा है और ये उसे देखकर हंसने लगता है। और जो मेंढक है, मेंढक मतलब कि जो अपनी बुलमा है, बुलमा लटकी हुई है मेंढक के रूप में और वो हंसता हुआ जाता है और बुलमा रो रही होती है क्या हो गया मुझे। और फिर वो बहुत ही स्पीड से उड़ा जा रहा होता है मास्टर गिन्यू जो कि बुलमा के शरीर में है, और वो और भी तेज अपना स्कूटर चला लेता है। और जो बुलमा होती है मतलब कि वो मेंढक, वो कूद कर बुलमा के मतलब कि मास्टर गिन्यू के चेहरे पर जाकर बैठ जाता है और जिससे उसका बैलेंस बिगड़ जाता है और कहता है मुझे कुछ दिखा नहीं दे रहा, मेरे मुँह से हटो, जल्दी हटो मेरे मुँह से। और तभी उसका जो स्कूटर सा होता है वो पानी में गिर जाता है और वापस से वो पहुँच जाते हैं पिकोलोहर के पास। और जो गिन्यू होता है वो उड़कर बहुत ही स्टाइल में हवा में आता है और कभी ये वाला स्टाइल में आता है कभी ये वाला, और ज़मीन पर एक टांग में आकर खड़ा हो जाता है बिल्कुल अपने गिन्यू वाले स्टाइल में और कहता है ये हुई ना बात। और ये देखकर जो क्रिलिन है वो उसके पास जाता है और कहता है क्या तुम ठीक हो बुलमा, और तुम यहाँ क्या कर रही हो, तुम्हारे लिए यहाँ आना सही नहीं है, यहाँ खतरा है। और बुलमा कहते हैं क्या, वो कहता है हाँ यहाँ पर गोको और फ्रीजा लड़ रहे हैं। वो कहता है क्या कहाँ पर, और वहाँ पर उसे देखकर कहता है क्या लॉर्ड फ्रीजा, और ये देखकर वो बहुत खुश होने लगता है। वो तभी आसमान से एक बिजली सी गिरती है और वो गिरती है फ्रीजा के ऊपर और फ्रीजा कहता है क्यों अटैक नहीं करोगे। जो गोको होता है वो अपनी जगह से गायब हो जाता है और गायब होकर उसके पीछे चला जाता है और हल्का हल्का उसके ओर बढ़ने लगता है और अपने पैर जैसे उसके ओर बढ़ाता है। तभी जो फ्रीजा होता है वो अपने हाथ में एक एनर्जी बॉल बना लेता है और जैसे ही गोको अपना पैर पीछे लेता है वो एनर्जी बॉल खत्म कर देता है अपने हाथ से। तभी जैसे ही गोकू फिर से कोशिश करता है आगे बढ़ाने की पैर, तो वो फिर से अपने हाथ में दूसरे हाथ में एनर्जी बॉल बना लेता है और पीछे कहता है तुम क्या करना चाहते हो, और फिर जो गोकू है वो पीछे हट जाता है। फिर हमें बुलमा का सीन दिखाया जाता है, जो गिन्यू है वो बुलमा की बॉडी में है और जो बुलमा है वो कहती है ये क्या बात है। और तभी गोहान कहता है क्या तुम्हें ये क्या लग रहा है बुलमा, और फिर तभी जो वो मेंढक होता है वो गोहान के पैर में आता है और उसका पैर पकड़ कर उसे कुछ बताने की कोशिश करता है, गुटर गुटर यानी कि जो उसकी भाषा है वो अपनी भाषा में बताने की कोशिश कर रहा है। और तभी जो गोहान कहता है हाँ मैं समझ गया, और वो मेंढक कहता है हाँ क्या बात है तुम समझ गए। तो वो कहते हैं हाँ तो तुम वही मेंढक हो ना जिसे डैड ने गिन्यू को, मतलब कि ये गिन्यू है वो ये कहना चाहता है। और जो वो मेंढक है वो जमीन पर गिर जाता है। वापस से हमें गोकू का सीन दिखाया जाता है, जो गोकू है वो खड़ा होता है फ्रीजा के सामने और अचानक से फ्रीजा गायब हो जाता है और गोकू की ठोड़ी पे कुछ लगता है, ये कुछ और नहीं बल्कि ये होता है फ्रीजा का हमला। और फ्रीजा ने अपनी कोहनी मारी है गोकू के नाक पे और गोकू पीछे कदम हटते हुए जाता है और उसके नाक से खून आने लगता है और वो खड़ा होकर अपना बेचारा नाक साफ कर रहा होता है, मतलब कि वो खून साफ कर रहा होता है। और वो फ्रीजा को देखता है और फ्रीजा उसकी साइड में खड़ा रहता है और हल्का सा मुस्कुराता है और स्पीड से उसके पास आता है और उसके पैरों पर लात मारता है जिससे गोकू अपना हाथ जमीन पर टेक लेता है और गिरने से बच जाता है। लेकिन इतने में जो फ्रीजा है अपनी पूंछ से उसकी गर्दन पकड़ लेती है और उसके पेट में मुक्का मारती है। और जो गोकू है गोकू अपने घुटनों के बल आ जाता है और पेट पकड़कर जमीन पर बैठ जाता है और फ्रीजा उसके सामने खड़ा होया रहता है। और फिर हमें मास्टर गिन्यू दिखाए जाते हैं जो बुलमा की बॉडी में है, वो ये देखकर बहुत खुश हो रहे हैं क्या क्या आलीशान भाई थे ये मज़ा आ गया। तभी जो क्रिलिन है वो कहता है बुलमा सब ठीक तो है ना, तुम की कैसी बात कर रही हो। तभी जो गिन्यू अपनी असली भाषा में बोलता है फिर कहता है मुझसे गलती हो गई मुझे माफ़ कर दो। और फिर तभी हमें गोकू वाला सीन दिखाया जाता है जो कि
पेट के दर्द की वजह से ज़मीन पे बैठा हुआ है, वो जो फ्रीजा है फ्रीजा स्टाइल में खड़ा हुआ है और कहता है तुम हार मान सकते हो, अगर तुम हार मानोगे तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। जो गोकू है वो कहता है नहीं मैं हार कभी नहीं मानूंगा, और गोकू खड़ा होता है और उसे लात मारता है, तभी वो अपनी जगह से हट जाता है और फिर गोकू उसे मुक्का मारता है तो वो वहाँ से उड़कर गायब हो जाता है। फिर तभी हमें वापस से अर्थ का चेंज दिखाया जाता है, याजू रोबी का और बाकी सारे मास्टर रोशी वगैरह का और बुलमा का सॉरी चीची का और उलोंग का, ये सब के सब तैयार हो गए हैं स्पेस में जाने के लिए, और वो उन सभी को कैप्सूल थर्ड कैप्सूल थ्री में बिठा देता है और कहता है कि बाय बाय। और जो बुलमा के डैड होते हैं सॉरी चीची के डैड होते हैं वो कहते हैं बुलमा चीची अपना ध्यान रखना और गोहान का भी ध्यान रखना, और गोहान को लल्ली वापस लेकर आना, ज़्यादा टाइम मत लगाना। और जो यामचा की बिल्ली है वो उसका फोटो देखकर रोने लगती है, कहते हैं यामचा जरूर मैं तुम्हारी मदद करूंगी बिल्कुल जितना हो सके। और तभी जो मास्टर रोशी होते हैं वो कहते हैं सब अपनी सील बेल्ट लगा लो, वो लोग कहते हैं हाँ मैंने लगा ली। जो यादरोबी है वो बेचारा थोड़ा डरा हुआ है, और वहाँ के जो गोकू तो नहीं है जो 100 टाइम डिग्री करके ट्रेनिंग करेंगे, ये तो बेचारे सिंपल आदमी। और तभी वो बटन दबाते हैं और वो उड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं, और जो यादरोबी होता है वो अपनी सील बेल्ट खोलकर भाग लेता है। और जो चीची होती है चीची बड़ी सीरियस होकर बैठी रहती है और कहती है कि हम आ रहे हैं, और फिर वापस से वो आ जाते हैं एक प्लेनेट पर, और वो प्लेनेट कोई नहीं बल्कि वो होता है अर्थ। और जो डॉक्टर है बुलमा के डैड वो कहता है वेलकम बैक, और वो सारे गिर जाते हैं। फिर हमें गोकू का सीन दिखाया जाता है, जो फ्रीजा है उसने बहुत ही गंदे तरीके से कभी इधर से हमला कर रहा है कभी उधर से, और गोकू को बहुत ही गंदे तरीके से मार रखा है अपनी सिर्फ पूंछ पूंछ से बिना अपने हाथों का इस्तेमाल किए। जैसे गोकू उसके ऊपर हमला करने की कोशिश करता है वो गायब हो जाता है, और फिर जहाँ भी गोकू जाता है गायब होकर फ्रीजा पहले से ही वहीं पहुँच जाता है और अपनी पूंछ से उसके ऊपर हमला कर रहा है, और अभी तक फ्रीजा ने अपने हाथ का इस्तेमाल भी नहीं किया है। और फिर वो एक हमला करता है जिससे गोकू पानी में जाकर गिरता है, और फिर जैसे गोकू पानी से बाहर आता है और बाहर आकर सांस ले रहा होता है फ्रीजा उसे कहता है कि हार मान लो। फिर वापस से हमें सीन दिखाया जाता है किंग कायसामा का, जो किंग कायसामा होते हैं वो कहते हैं कि कोई चांस नहीं है। तो जो यामचा होता है वो कहता है क्या गोकू तो अभी जीत रहा था अब क्या हुआ, वो कहता है कि नहीं गोकू जीत नहीं रहा, गोकू पिट रहा है और फ्रीजा उसके साथ खेल रहा है, वो सिर्फ मजाक कर रहा है। और फिर वापस से हमें पृथ्वी का सीन दिखाया जाता है, जो गोकू है गोकू वाकई में पिट रहा है और फ्रीजा ने उसे बहुत गंदे तरीके से पिट रखा है। फिर हमें कंग सामा के पास का सीन दिखाया जाता है, जो टीएन है वो कहता है कि गोकू जीत जाएगा, गोकू आराम से जीत जाएगा, हमें उस पर भरोसा रखना चाहिए क्योंकि जब वो कायोकैन का इस्तेमाल करेगा किंग का की टेक्निकी का तो वो उसे आसानी से हरा देगा। फिर किंग का ऐसा बताते हैं कि तुम बेवकूफ हो, गोकू नहीं जीत सकता क्योंकि वो पहले से ही अपनी कायोकैन का इस्तेमाल कर रहा है और वो उसमें भी उसकी टक्कर नहीं ले पा रहा है। और जो मास्टर गिन्यू होता है वो हंसने लगता है और कहता है ये हुई ना बात। और फिर जो वो मींडा के मतलब कि बुलमा वो एक के बाद एक पत्थर फेंक कर मार रहा है, और तभी उसकी असली आवाज़ बाहर आ जाती है कैप्टन गिन्यू की, और कैप्टन गिन्यू अपने हाथ बनाता है और स्टाइल में खड़ा हो जाता है और कहता है हैं हैं हैं, और जब ये क्रिलिन चिल्लाता है ये तो कैप्टन गिन्यू है, और ये वाला एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है। तो दोस्तों मैं मिलता हूँ आपसे अगले एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।